नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल दिल्ली खजाना में। आ गया है राहुल भोज। क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि बिग बॉस के घर में ग्रुप्स जो हैं अब वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग दो ग्रुप को देखते हैं और इनके बीच में एक ग्रुप जो कि रियल और ऑर्गेनिक लगता है और दूसरा ग्रुप सिर्फ और सिर्फ मजबूरी लगता है। वो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर इस ग्रुप के साथ लगता है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सा ग्रुप है वो, चलिए आपको बताता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना तो बनता है बॉस। अब ये तो हम सबको पता है कि बिग बॉस के घर में जो है दो ग्रुप जो है निकल कर आ चुके हैं। एक ग्रुप है लव कटारिया विशाल, उनके साथ सना मकबूल है और कहीं ना कहीं शिवानी और साथ ही साथ दीपक, दीपक खैर दोनों तरफ नजर आ रहे हैं। और दूसरा ग्रुप जो है वो है बाकी के बच्चे कंटेस्टेंट्स का ग्रुप, चंद्रिका उसमें से मेन है जिसने की रिसेंटली शिफ्टिंग करी है। अब ऐसे में दोस्तों इनमें से ऑर्गेनिक कौन सा ग्रुप है? जो ग्रुप हंसी मजाक दोस्ती प्यार विश्वास पे बना है वो ग्रुप है नन अदर देन कटारिया और विशाल का ग्रुप, जिसमें कि शिवानी है, जिसमें कि सना मकबूल है। और दूसरा ग्रुप ऐसा लगता है जैसे कि पूरा मजबूरियों के साथ है, मतलब कि अरमान, रणबीर, साई केतन, सना, सुल्तान और अपनी प्यारी सी उसमें जो है वो है कृतिका। अब दोस्तों यहाँ पर चीज़ें क्या हैं? यहाँ पर चीज़ें ये लोग इसलिए साथ आए हैं क्योंकि इन लोगों की इन ग्रुप से नहीं बनती है, मतलब इन ग्रुप के पर्टिकुलर मेंबर, जैसे शिवानी का दुश्मन वहाँ पे रणवीर है, कटारिया का दुश्मन जैसे वहाँ पे साई केतन है और प्लस अगर विशाल का दुश्मन अरमान है, तो इन तीनों ने एक ग्रुप कर लिया जो कि मजबूरी में कर लिया है कि हाँ चलो हम लोग जो है मजबूरी में कर लेते हैं। और इसका असर जो हमें रिसेंट के नॉमिनेशन में भी देखने को मिला है, जिसमें कि कटारिया और विशाल की अगर बात की जाए दोनों को नॉमिनेट किया है, शिवानी को नॉमिनेट किया है। तो टेक्निकली जहाँ पे वजन है वो ग्रुप ज़्यादा एक तरफ हो गया और जहाँ पे दोस्ती यारी और ऑर्गेनिक वे में जो फॉर्म हुआ है वो एक तरफ हो गया है। अब देखना ये होगा कि कौन सा ग्रुप किसके ऊपर हावी होता है। वैसे आपको बता दो दोस्तों तो इस हफ्ते नॉमिनेशन में चंद्रिका भी फंस गई है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए चंद्रिका का पत्ता कट जाए, क्योंकि अरमान को तो लोग नहीं भेजने वाले चाहे कुछ भी हो जाए। अभी ये रखेंगे अरमान को, जो कि भले ही नेगेटिव लेकिन कॉन्टेंट तो दे रहे हैं। आपको क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें दैनिक खजाना। बाय बाय।